हवाई अड्डे के समीप आज सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया है। बस में लगभग 52 सवारियां थी जो दुर्घटना के बाद बाल बाल बच गई। पुलिस ने बस काबू करके सड़क दुर्घटना की छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बस का चालक मौके से फरार हो गया। झज्जर डिपो की बस सिरसा से बहादुरगढ़ की ओर जा रही थी। इसी दौरान बस हिसार के हवाई अड्डे के समीप पहुंची तो 2 बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में बस पलटी खा गई। इसमें लगभग 52 सवारियां बैठी हुई थी और दुर्घटना में 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए, जबकि अन्य सवारियां बाल बाल बच गई। इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया गया। बस के कंडक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि बस में काफ़ी सवारियां थी जो दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई हैं। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। भाई साहब, मैं तो टिकट बना रहा था, 45 या 48 सवारी थी और हम जिस तरह गाड़ी 2 बनी चाहिए, 2 भी ऊपर आई है। ये सिरसा से सुबह बहादुरगढ़ से सिरसा गई, सिरसा से बहादुरगढ़ जा रही थी। सर क्या नाम, कितने सवारी थी? अभी इसमें 45 या 46 सवारी थी। कोई घायल होने की या कोई भी? घायल होने की कोई नहीं है, वैसे ठीक है सब। यात्री सभी ठीक है? ये झज्जर डिपो की गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, ड्राइवर भी प्राइवेट है, कंडक्टर सरकारी है और मेरे को नहीं पता, मैं बीच में टिकट बना रहा था। तो कोई टायर वगैरह फटने की? ना, कोई टायर नहीं फटा था जब लगे। अच्छा, यानी कि सारी गलती ड्राइवर की? सारी ड्राइवर की, 2 बगाड़ी नीचे गई है, 2 ऊपर आई रोड पर। हाँ जी, ये जो सरकार ने ड्राइवर भर्ती करेगी, ये कमी है सरकार की। सरकारी ड्राइवर तो इतना अच्छे नहीं होते, जगह जगह होते हैं। कल परसों भिवानी में भी हो रहा था। मैं फतेहाबाद से आया था हिसार के लिए, फिर आगे मैंने हांसी जाना था। हांसी से इस बस में, हिसार से इस बस में हांसी के लिए बैठा था, तो रास्ते में ये हादसा हो गया। कैसे, क्या हुआ? ड्राइवर का भी सब 100% ड्राइवर की गलती है। कभी ड्राइवर इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, फिर अचानक से 2 बाइक सवार आगे से निकले उसके, तो उसको अंदेशा हो गया कि ये गाड़ी उनके ऊपर चढ़ेगी, तो उनको बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। 55 सवारियाँ सवार थी। नहीं, गुम चोटे हैं, बाकी बड़ा हादसा होने से टल गया। जो स्कीम के तहत बसें चलती है वो बस थी, और जैसे ही बस पलटी मेरी वजह से, मैं तुरंत पहुंचा। उसी टाइम 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स, तो हमने तुरंत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में पहुँचाया। बाकी सवारियों को किसी के चोट जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी रोड डाइवर्ट में आप भी मौके पे देख रहे थे, रोड डाइवर्ट में कोई सी दिक्कत नहीं आई, और गाड़ी को हमने खड़ी करके और हमारे जो संबंधित कंसल्ट थाना उसमें उनसे संपर्क करके उनको उनके हवाले कर दिया। उनके मालिक को हमने टेलीफोन करके बता दिया कि आपकी गाड़ी को ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, और ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। कनेक्टर भी सरकारी था, कनेक्टर मौके में मौजूद है, और हमारी ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस हम सारे अपनी सहायता करके इनको, जो सवारी है उनको गणवते स्थल तक पहुँचा दिया। दिल्ली की सवारी थी, ज़्यादातर दिल्ली की सवारी को हमने हरियाणा रोडवेज की बस को रुकवा के उसमें बस में बिठा दिया। बाकी जो 4-5 हांसी की सवारी थी उनको हमने हांसी की बसों में बिठा दिया। बाकी रोड बिल्कुल क्लियर है और कोई जान माल का कोई नुकसान। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.